Everyone, welcome to Malana Unkun Academy. My name is Ehsan Ali. Today we are going to discuss about some most important question of trigonometry. Dear student, आज हम इस lecture में discuss करेंगे trigonometry exercise 8.3. इससे पहले हमने discuss किया था 8.1 and 8.2. सबसे पहले आज हमें discuss करना है 8.3. इससे पहले सबसे पहले हमें basic level से आप लोगों को समझा देंगे. सबसे पहले यहाँ पे आपको आज इन सारे क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला अप्लाई होना है. इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इससे पहले हमने बेसिक कंसेप्ट में ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था. जैसा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है. कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है. ये सारे फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. आज यही फार्मूला यूज़ करके ये सारे क्वेश्चन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है. तो चलो स्टूडेंट, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन नंबर वन में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन 18 डिवाइड बाय कॉस 72. साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम. यहाँ आपको क्या करना है, या साइन या कॉस को आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है. ये फार्मूला अप्लाई करना है. इस फार्मूले की मदद से आपको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को सेम करना है, तब आपको वैल्यू निकाल के आ जाएगा. सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, हम साइन 80 की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं. अगर 90 में से 72 निकलेगा तो साइन 18 बच गया, तो साइन 18 क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं आना चाहिए. देखो हम इसकी जगह पे साइन 18 की जगह पे हमने क्या डाला, साइन 90 माइनस 72 डालना है, और ये कॉस 72 ऐसे रखना है. सिर्फ एक को करना है, या आपको साइन को चेंज करना है या कॉस को आपको ऐसे कंप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे लगाना है. इसके बाद देखो साइन 90 माइनस थीटा एक फार्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या है, 72 डिवाइड बाई कॉस 72. ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमेटर यहाँ पे इक्वल हो गया, कैंसिल आउट, आपका आंसर हो गया 1. बहुत ईजी है. इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर बाकी आप लोग कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे. 4 में क्या है, कोसेक, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री. हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इन दोनों में से किसी एक को कम्प्लीमेंट्री बनाएंगे. हम कोसेक 31 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 59. देखो 90 में से 59 निकालो, कितना बच गया, 31 माइनस सेक 59 ऐसे रखो. कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखो कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कोसेक होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर होता है. तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं सेक, और थीटा क्या है हमारा 59 माइनस सेक 59. ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा आंसर हो गया 0. बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहे हैं टाइन 48 टाइन 23 टाइन 42 टाइन 67 इक्वल टू, हमें 1 के बराबर लाना है. यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस के बराबर लाना है. तो हमें एल एच एस को सॉल्व, एल एच एस हम करेंगे सॉल्व, एल एच एस एल एच एल को हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहला देखो टाइन 48 को हम ऐसे रखेंगे और टेन 23 को भी हम ऐसे रखेंगे. इन दोनों को हम चेंज करेंगे. टेन 42 की जगह पे हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 48. देखो 90 में से 48 निकालो, 42 बच गया. और टेन 67 की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस 23. देखो 19 में से 23 माइनस करोगे तो टेन 67. क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, सेम है. अब हमें क्या करना है, टेन 48 ऐसे रखो, टेन 23 भी ऐसे रखो. अब हम क्या ना टेन यहाँ पे देखो, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा होता है. ठीक है, कॉट थीटा ये हो गया. अब देखो हम इसको दोबारा हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम तो इसका आंसर आएगा, तो डी एस इसका आंसर आएगा टेन 48 को हम ऐसे रखेंगे, टेन 48 टेन 23 को भी ऐसे रखेंगे हम. देखो कॉट 48 किसका उल्टा है, कॉट 10 का उल्टा होता है, 1 अपॉन टेन 48 लिख सकते हैं इसको हम. और इसकी जगह पे कॉट 23 की जगह पे ये किसका उल्टा है, इसको भी हम, ये टेन का उल्टा है,
कॉट टेन का उल्टा होता है तो 1/tan 23 लिख सकता है। तो ये 48 और 48 यहाँ पे कट हो गया, टेन टेन 23 और टेन 23 कट हो गया, हमारा आंसर हो गया 1। दियर फोर LHS इक्वल टू RHS के बराबर प्रूफ हो। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, टेन गिविन दैट, आपको गिविन क्या दिया है, गिविन दिया है टेन इक्वल टू टेन 2a इक्वल टू किसके बराबर है, कॉट ए माइनस 18। आपको ए का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, ए का। तो क्या करें हम, देखो यहाँ मान लेंगे हम ये टेन थीटा है, तो टेन थीटा होता है कॉट, इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2a, इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। अगर देखो यहाँ पे कॉट और कॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 90 माइनस 2a इक्वल टू ए माइनस 18। अगर हम इसको क्या सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सिंपल है, हम 90 माइनस 18 है यहाँ पे, 18 को हम इससे लाएंगे क्या हो गया, प्लस 18 हो जाएगा, ए प्लस 2a को इधर लाएंगे तो यहाँ पे ए प्लस 2a हो जाएगा 2a, तो कितना हो गया यहाँ पे 108 इक्वल टू 3a हो गया। तो हमें a का वैल्यू निकालना है, तो a इक्वल टू 108 अपॉन इस 3 को डिवाइड में ले जाएंगे हम, तो ये दोनों डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 6 18, तो हमारे पास कितना आया, 36 आया ए का वैल्यू, हमें ए का वैल्यू ढूंढना था, ए का वैल्यू कितना आएगा 36। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर सकता है। 4 में क्या है, टेन ए इक्वल टू कॉट बी, टेन ए और कॉट बी बराबर है, लेकिन हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी इक्वल टू 90, ए प्लस बी इक्वल टू 90 प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी, बहुत सिंपल है, गिविन दैट, गिविन दैट आपको दिया है टेन ए इक्वल टू कॉट ए, पहले गिविन लिखो, फिर टेन की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, इक्वल टू कॉट बी, ये कॉट और ये कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे बच जाएगा 90 माइनस ए प्लस ए इक्वल टू बी। अब हम क्या करना है, यहाँ पे 90 इस साइड रखो, यहाँ पे ए को इस साइड ले जाओ, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90, अब ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 90। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 5th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या करना है आपको, सेक 4a इक्वल टू बराबर है कोसेक a माइनस 20, आपको a का वैल्यू निकालना है, तो आपको यहाँ सेक का, सेक की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक जो होता है कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, थीटा हमारा है 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ कोसेक और कोसेक क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ 90 माइनस 4a बचेगा, यहाँ पे a माइनस 20 बचेगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 90 इस माइनस को इधर ले जाओ, प्लस हो गया प्लस 20 a, और 4 को इस साइड ले जाओ, कितना हो गया, यहाँ पे माइनस है तो इस साइड ले जाए, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4a, तो ये प्लस करो तो कितना हो गया, यहाँ पे 110 हो गया, अगर इसको प्लस करेंगे तो 5a हो गया, तो हमें ए का वैल्यू नहीं, ए इक्वल टू 110 डिवाइड बाई ये 5 डिवाइड में जाएगा, तो आप इन दोनों को डिवाइड करो, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 2 10, तो ए का वैल्यू आएगा 22 हो जाएगा। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है।